तस्मात् सक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तः हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम हैं और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रह जाता है।